गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। आज 12th तक हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहते हैं हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7 से डिविजिबल नंबर और थ्री डिजिट के ना यहाँ से नोट करना थ्री डिजिट। तो देखो लिस्ट आंसर है ना जो सॉल्यूशन क्या है थ्री डिजिट नंबर थ्री डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 आर कौन से होंगे। देखो थ्री डिजिट का होना चाहिए तो सबसे पहला नंबर है ना 105 112 119 है ना इस तरह से करके जो लास्ट थ्री डिजिट का 999 होता है लेकिन वो 7 से डिविजिबल नहीं है तो उससे पीछे का 994 ये होगा भाई। अब देखो सबसे पहले तो क्या है ये तो लिस्ट ऑफ नंबर्स हो गया ना तो पहले हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग एपी प्रूव करेंगे ना एपी प्रूव है ना देयर इज ए फिक्स्ड डिफरेंस है ना फिक्स्ड डिफरेंस बिटवीन एनी टू टर्म्स कोई भी दो टर्म लेंगे उनके बीच में एक फिक्स डिफरेंस है। फिक्स डिफरेंस को क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस है ना तो यहाँ कॉमन डिफरेंस भी लिख सकते हैं ना कॉमन डिफरेंस ठीक है। तो सो दे फॉर्म एन एपी ठीक है ना सो इट इज एन एपी। अब एपी हो गई तो डी क्या हो गया फिर फिक्स डिफरेंस क्या था 7 ऐड किया था ए क्या हो गया इसका फर्स्ट नंबर 105 हो गया। देखो अब वो कहता है ना भाई कितने नंबर है ये एन पूछ रहा है मतलब है ना लिस्ट ऑफ नंबर्स में कितने नंबर है एन पूछ रहा है तो इसका मतलब हमारे पास क्या रह गया ए एन और होना चाहिए ए एन नहीं है लेकिन लास्ट टर्म हमें पता है उसी को ही एंथ टर्म बोलते हैं ए एन हमारे पास है 994 तो नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो ए एन का फॉर्मूला लिखें ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 994 ए कितना आपके पास 105 एन फाइंड आउट करना है डी आपके पास 7 दिस इम्प्लाइज अब ये देखो 105 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाए एन माइनस वन इंटू 7 994 माइनस 105 तो ये आपके पास बच गया एन इज इक्वल टू सॉरी एन माइनस वन इंटू 7 इज इक्वल टू ये बच गया आपके पास 9, 8 और 8 ना ये बच गया दिस इम्प्लाइज एन माइनस वन 7 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 7 से कट आउट करो 7 वन जा 7 टू जा 7 7 जा तो एन माइनस वन इज इक्वल टू 127 और दिस इम्प्लाइज एन कितना आ गया 127 प्लस 1 तो कितना हो गया 128 तो आपके पास एन की भी वैल्यू आ गई है ना तो ये एन क्या था ये नंबर ऑफ टर्म्स ही था ठीक है ना तो ये क्या पूछ रहा था तो देयर आर 128 नंबर्स ठीक है ये हमें बताना था बस 7 से डिविजिबल थ्री डिजिट नंबर कितने होंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 and 250 मल्टीपल क्या मतलब 4 जिस नंबर को डिवाइड करता है लेकिन उसने कंडीशन रखी 10 and 250 के बीच में ना तो क्या करेंगे पहले तो क्या लिख लेंगे मल्टीपल ऑफ 4 मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 and 250
आर देखो, टेन से जो नेक्स्ट टेन तो डिविजिबल नहीं है, और वैसे भी इनके बिटवीन में ना इनके बीच के नंबर पूछ रहे हैं, तो टेन के बाद कौन सा आएगा, ट्वेल्व, ट्वेल्व के बाद सिक्सटीन, ट्वेंटी, डैश डैश डैश। अब 250 तो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या आएगा, 248 है ना। अब ये कितने नंबर हैं ये हमें चेक करना है मैंने। अब इसमें देखो हमारे पास क्या है, ए है, डी है, ए एन है ना, ये हमारे पास ए पी थी, तो ए क्या आ गया आपके पास 12, डी क्या आ गया आपके पास 16 माइनस 12 4, और लास्ट टर्म भी आपके पास है, लास्ट टर्म क्या आपके पास 248। ए एन का फार्मूला लिख लो उसी तरह से, ए प्लस एन माइनस वन डी 248, ए कितना 12, एन माइनस वन डी, डी कितना हो गया आपके पास 4, 248। दिस इम्प्लाइज 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू फोर इज इक्वल टू 248 माइनस 12, तो ये आपके पास बचा एन माइनस वन इंटू फोर इज इक्वल टू 236। दिस इम्प्लाइज एन माइनस वन, अब ये फोर उधर जाके डिवाइड हो जाए, 236 डिवाइड बाई 4, 4 से डिवाइड किया, 4 5 जा 4 9 जा, ठीक है। और अब एन एन माइनस वन इज इक्वल टू 59, तो दिस इम्प्लाइज एन इज इक्वल टू 59 प्लस 1 16, तो इसका मतलब 4 के मल्टीपल कितने हो गए 60, ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ टू ए पीज, ये दो ए पी दी हुई है, एक ए पी यहाँ तक, एक ए पी यहाँ तक है, ये दो ए पीज हैं, तो कहते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ टू ए पीज आर इक्वल, भाई कौन एन की क्या वैल्यू है कि ये टर्म nth टर्म इक्वल हो जाए, तो क्या करेंगे दोनों ए पीज का nth टर्म निकाल लेते हैं, एक ए पी तो ये हो गई, इसको फर्स्ट ए पी, ए पी फर्स्ट लिख लेते हैं ना, तो 63, 65, 67, तो ए क्या हो गया इसमें 63, डी क्या हो गया इसमें 65 माइनस 63, तो क्या बचा 2 बच गया, तो nth टर्म निकाल लेते हैं इसकी, nth टर्म, nth टर्म क्या हो गई a प्लस एन माइनस वन डी, ए क्या आपके पास 63, एन क्या है निकालना है, डी क्या हो गया 2 हो गया, तो ये बन गया आपके पास 63 टू एन माइनस टू, और ये बन गया आपके पास 61 प्लस में 2n, है ना, ए पी फर्स्ट का nth टर्म आ गया, और ए पी सेकेंड, सेकेंड जो ए पी हमारे पास वो क्या है 3 10 17 ऐसे, तो a क्या आ गया आपके पास, ए आ गया फिर आपके पास 3, डी क्या आ गया 10 माइनस 3 मीन्स 7, इसका भी nth टर्म निकाल लेते हैं, nth टर्म a प्लस एन माइनस वन डी, ए क्या आपके पास 3, n निकालना है, d 7 हो गया, मल्टीप्लाई करो 3 प्लस 7 एन माइनस 7, तो ये क्या बन गया 7 एन माइनस 4, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनका जो nth टर्म है वो क्या होगा इक्वल होगा, तो इसका मतलब इसका nth टर्म और इसका nth टर्म इक्वल रख दो, तो इट मीन्स क्या 7 एन माइनस 4 इज इक्वल टू 61 प्लस में 2n, तो n वाले एक तरफ ले आएंगे 7n एन माइनस 2n इज इक्वल टू 61 प्लस में 4, तो दिस इम्प्लाइज 7n एन माइनस 2n 5n और ये 65, तो n इज इक्वल टू 5 से डिवाइड कर दो 13 आ गया, तो इसका मतलब
इनका 30th टर्म जो होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। 17 में क्या कहता है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। अब 20th टर्म तो निकालना है, लेकिन कहाँ से, फ्रॉम द लास्ट मतलब पीछे से, है ना। तो क्या करते हैं, ए लिख लेते हैं इसका। ठीक है, इसका ए क्या हो गया, एपी का 3। डी क्या हो गया, 8 - 3 मीन्स 5। एंथ टर्म हमें पता है ना, एंथ टर्म क्या हो गया, An 253। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग ये देखते हैं इस एपी में टर्म कितने हैं। An है, A है, D है, An का फार्मूला लगाएंगे। An का फार्मूला ना, A प्लस N-1 × D, है ना, ये एंथ टर्म का फार्मूला रखेंगे। तो देखो An तो क्या है, 253। ए क्या है आपके पास, 3। एन नंबर ऑफ टर्म हम लोग निकाल रहे हैं। डी क्या आपके पास, 5। ठीक है, अब देखो 253 - 3 तो कितना, 250 N-1 × 5। ठीक है, अब देखो N-1 = ये 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 250 / 5 कितना आ गया, N-1 = 50। तो N क्या आ गया, 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 51। अब इस एपी में ना 51 टर्म है। अगर हमें 20th टर्म पूछा होता तो हम लोग स्टार्टिंग से बता देते A20 माना A+19D, लेकिन वो फ्रॉम द लास्ट पूछ रहा है। फ्रॉम द लास्ट पूछ निकालने के लिए हम 20th जो टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग क्या होगी, है ना, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ द एपी विल बी देखो इसके लिए क्या करेंगे, जितने टर्म हैं उसमें से जो पीछे वाले टर्म पूछ रहा है वो घटा दो, उसमें एक ऐड कर दो, दैट इज वो क्या होगी, है ना, क्या हो गया वो 32nd टर्म हो जाएगी फ्रॉम बिगिनिंग। जो पीछे से 20वीं थी वो शुरू से 32वीं हो जाएगी। कई ये सोचेंगे भाई 20th तो पीछे से और 32nd स्टार्टिंग से, तो ये तो 52 टर्म होगी। नहीं, एक टर्म कॉमन होती है दोनों में, क्योंकि जो पीछे से 20वीं थी वो शुरू से 32वीं, तो वो दोनों कॉमन होगी, इसलिए ऐसे नज़र आता है कि भाई 52 टर्म होगी। नहीं, एक कॉमन है तो इसलिए टर्म तो 51 ही है। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, 32nd टर्म निकालना है। 32nd टर्म को क्या लिखेंगे, A+31D। ए क्या आया आपके पास, ए आपके पास 3 था, और डी क्या आया आपके पास, 5 था। ठीक है ना, 3 प्लस में 5 1 = 5, 5 3 = 15, तो क्या आ जाएगा, 158। ये आपकी लास्ट से, एपी के लास्ट से 20th टर्म 158 हो जाएगी। देखो क्वेश्चन नंबर अगला है जो 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता था सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24, सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44, फाइंड द 3 टर्म्स ऑफ द एपी। देखो 4th और 8th टर्म का सम वो तो आपके पास है 24, तो क्या लिखेंगे इसमें, फोर्थ और एट्थ को कैसे लिखेंगे, ऐसे इनका सम वो कितना है, 24, है ना। फोर्थ टर्म को कैसे लिखते हैं, A+3D। एट्थ को कैसे लिखें, A+7D = 24। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई किया, A+8 = 2A, 3D + 7D = 10D = 24। 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 कॉमन ले लो, A+5D = 24। 2 से डिवाइड किया, A+5D = इक्वेशन नंबर 1 आपके पास। फिर दूसरी कंडीशन में क्या करें, 6th टर्म
और टेंथ टर्म है ना, सिक्स्थ और टेंथ टर्म का सम 44 है ना, इनका दोनों का सम कौन सी सिक्स्थ टर्म ए सिक्स और टेंथ टर्म ए टेन दोनों का सम कितना है 44 है। सिक्स्थ टर्म को लिखें ए प्लस 5d, टेंथ टर्म को लिखेंगे ए प्लस में 9d, 44 ए प्लस ए 2a, 5d 9d 14d इज इक्वल टू 44। फिर 2 कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस 7d इज इक्वल टू 44, 2 से डिवाइड किया तो ये बचा आपका ए प्लस 7d इज इक्वल टू 22। यह आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड होगी। इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे ए और डी आ जाएगा आपके पास। तो देखो ये आपके फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन है, तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, फर्स्ट में से सेकेंड या सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग या सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट करें। सेकेंड है ए प्लस 7d 22, इसमें से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है 5d 12 आ गया। ये माइनस, ये प्लस है, सॉरी माइनस, ये भी माइनस, सारे माइनस हो गए, सारे प्लस थे, ये इससे कैंसिल। 7 माइनस 5d 2d, 12 माइनस 22 माइनस 12 10, तो d क्या आ गया 10/2 5 आ गया आपके पास, डी आ गया। डी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, है ना, डी इज इक्वल टू 5 सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट या सेकंड में किसी में रख लो, फर्स्ट में रखते हैं। तो फर्स्ट में देखो क्या आपके पास ए प्लस 5d इज इक्वल टू 12, ए प्लस 5d, डी की जगह क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू 12, ए प्लस में 25 इज इक्वल टू 12, और तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 25 तो क्या हो गया आपके पास माइनस 13, ए आ गया, डी आ गया आपके पास, ए आपके पास आया, ए आपके पास आ गया है माइनस 13, डी आपके पास आ गया है 5। फर्स्ट थ्री टर्म कह रहा है, तो फर्स्ट टर्म तो यही हो गया माइनस 13, सेकेंड टर्म को क्या लिखेंगे ए प्लस में डी, ए क्या है आपके पास माइनस 13, डी क्या है 5, तो कितना आ गया माइनस 8। थर्ड टर्म भी पूछ रहा है, थर्ड टर्म फर्स्ट थ्री पूछ रहा है ना, फर्स्ट ये हो गई, सेकेंड ये आ गई, अब थर्ड है ए प्लस में 2d, ए आपके पास है वही माइनस 13, 2 इंटू में 5, डी की वैल्यू माइनस 13 प्लस में कितना हो गया 10 हो गया, तो क्या आ जाएगा माइनस का 3, ये आपकी थर्ड टर्म आ गई, ठीक है ना। इस तरह से हमें ये तीन टर्म निकाल ली थी, ये हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर है 20, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक एंड देन इंक्रीजेस हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। इफ इन द एंथ वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स 20.75 फाइंड एन, एन निकालना है। तो देखो स्टार्टिंग कहाँ से की 5 रुपीज से, तो इसका मतलब क्या हुआ स्टार्टिंग जो होती है वो क्या होती है फर्स्ट टर्म होता है, इंक्रीमेंट जो है ना उसका वीकली इंक्रीमेंट जो है उसने देखो इंक्रीजेज हर वीकली सेविंग बाय इतना, तो इसका मतलब क्या हुआ वो जो हर वीक जो इंक्रीमेंट करिए वो इतने का, तो इसका मतलब फिक्स नंबर हो गया, तो कॉमन डिफरेंस आ गया। और कहते हैं इन द एंथ वीक, एंथ वीक में उसकी वीकली सेविंग इतने रुपए हो जाती है, तो ये an हो गया 20.75। वो कहता है n निकालो, n क्या है an का फार्मूला लिख लो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an क्या आपके पास 20.75, an क्या है a सॉरी 5, n नंबर ऑफ जो है ना वीक्स निकालने हमने, मतलब n पूछ रहा है वो फाइंड एन, तो 5 इधर आए 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू
एन माइनस वन इंटू डी है ना, और डी भी था ना 1.75, चलो यहाँ रख देते हैं 1.75, ठीक है। हम देखो ये कितना बचा, 15.75 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 1.75। 1.75 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और 1.75 इधर क्या बचेगा, एन माइनस वन। हाँ देखो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, क्योंकि इसके भी 2 के बाद डेसिमल है, ये भी 2 के बाद डेसिमल है, तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे 25 से कर लेते हैं, 25 7 जो है ना, 25 6 115 और 25 3 जो है ना 7 9 जा, तो क्या बचा आपके पास, n माइनस वन इज इक्वल टू 9, तो n क्या आ गया, n 9 प्लस वन इज इक्वल टू 10, ये हमें n की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है ना, बाकी फिर कल करें। अच्छा।